हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम देने वाले उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि कंफ्यूज हो रहे हैं कि रीट प्री पर फोकस करें या रीट मेंस की ही तैयारी करें। देखो, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएड कंप्लीट किया है, बीएसटीसी कंप्लीट किया है और पहली बार रीट एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन लोगों को ये टेंशन रहती है कि रीट प्री भी तो मतलब तैयारी करनी है उसकी भी प्रॉपर, क्योंकि जो ऑलरेडी रीट प्री दे चुके हैं उनको पता है कि रीट प्री ईजी है। यदि रीट मेंस की तैयारी करेंगे तो रीट प्री तो आसानी से निकल जाएगा, केवल इंग्लिश हिंदी तो एक्स्ट्रा पढ़नी है जो साइंस मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको, बाकी सबके लिए तो वही कॉमन है सब, ठीक है। तो रीट प्री आपका आसान है, लेकिन वो आसान तब तक था जब तक कि नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं थी। और अभी शायद कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कि रीट प्री के अंदर इस साल से, मतलब जो अपना 2025 के अंदर रीट प्री लगेगा फरवरी में, उसमें नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। बाकी अभी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है, नोटिफिकेशन जब आएगा उस दिन हमें पता चल जाएगा कि रीट प्री के अंदर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। लेकिन यदि रीट प्री के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है तो आप उसे थोड़ा सीरियसली लेकर पढ़ सकते हैं कि हाँ, इसमें कहीं भी क्वेश्चन गलत ना हो। वैसे रीट प्री के अंदर जो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ रहते हैं CDP में, यानी आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, क्योंकि ये सब्जेक्ट बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल अलग रहता है। बाकी सभी चीज़ें तो आपने अब तक पढ़ी हुई रहती है, जैसे आपका जो सब्जेक्ट है वो आपने पढ़ा हुआ रहता है। इंग्लिश हिंदी के उसमें जनरल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, यदि आप थोड़ा भी एक बार भी पढ़ लो ना यदि इंग्लिश हिंदी के टॉपिक्स को यूट्यूब से ही, तो भी आप आसानी से उनको समझ के नहीं याद कर सकते हो और एग्जाम के उनके क्वेश्चन आपके ईजिली से बन जाते हैं। लेकिन क्या है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आपके जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है, उनकी लैंग्वेज, उनके वर्ड्स, जो मतलब वर्ड रहते हैं हर थ्योरी के अंदर, उनको आपको थोड़ा याद करना पड़ता है। वो आपके लिए नया सब्जेक्ट रहता है, उस पर यदि आप फोकस करें तो आपके जो नेगेटिव मार्किंग है यदि होती है रीट प्री के अंदर, तो वो चांसेस कम होंगे, ठीक है। बाकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला जो आपका टॉपिक है वो तो रीट मेंस के अंदर भी आएगा और रीट प्री के अंदर भी आएगा, यानी उसको तो आपको अच्छे से तैयार करना ही पड़ेगा दोनों के लिए, तो आप उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें। रही बात फिर आपका जो सब्जेक्ट है, चाहे आपके पास मैथ हो, साइंस हो, SS हो, तो वो जो आपका सब्जेक्ट है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो आपका रीट प्री में भी आएगा, रीट मेंस में भी आएगा। केवल आपका रीट प्री और मेंस के अंदर जो डिफरेंस पड़ रहा है वो इंग्लिश हिंदी, जिनका सब्जेक्ट नहीं है तो उनको इंग्लिश हिंदी अलग से जो देना पड़ेगा, उसमें लैंग्वेज वाला जो पोर्शन है Language 1 एंड Language 2, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है बस। बाकी जो आप तैयारी रीट प्री के लिए करेंगे, रीट मेंस के लिए करेंगे, वो सेम ही होगा, केवल लैंग्वेज वाले पोर्शन को यदि आप हटा दें तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो तो दोनों की ही तैयारी साथ में लेकर चले, क्योंकि आपका दोनों साथ साथ में ही कवर हो जाएगा। जो ऑलरेडी पहले रीट प्री क्लियर कर चुके हैं तो वो पूरा फोकस अपना रीट मेंस की तैयारी पे करें, क्योंकि रीट मेंस की तैयारी के साथ साथ ही रीट प्री तो आपका आसानी से हो जाएगा। केवल जो आपका Language 1 और Language 2, जिसमें आपका इंग्लिश हिंदी संस्कृत तीनों में से जो भी लैंग्वेज होता है, उसके लिए आप थोड़ा सा लास्ट टाइम पे पढ़ सकते हैं, बाकी तो आपका पूरा कवर रहेगा ही। तो वो चीज़ रहेगी कि आपको फोकस करना है रीट मेंस पर, ठीक है। अब ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ने रीट 2022 क्लियर किया हुआ है 115 नंबर के साथ, अपनी बीएड सेकेंड ईयर के साथ साथ ही, तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि रीट प्री के लिए कितना पढ़ना पड़ता है। रीट प्री मुझे ईजी लगता है क्योंकि है ना, उसको मैंने खुद ने एक महीने के अंदर पढ़ के क्लियर किया था, और ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कोर्स खरीदा, मैंने खुद ने यूट्यूब से ही पढ़ा था। और आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि रीट जो आपका प्री लगेगा फरवरी 2025 के अंदर, उसके लिए आपको कोई भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको यूट्यूब से कैसे पढ़ाई करनी है, किस किस चैनल से कहाँ से पढ़ना है, वो सब कुछ के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप रीट एग्जाम वाला जो प्लेलिस्ट है उसको देखिएगा, उसके अंदर आपको मेरी जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है ना रीट के एग्जाम को लेकर, वो सारी मैंने बनाई हुई है। आई होप आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।